बैकू फाइनेंशियल बॉस में मैं रेहान खान आज बात करने वाला हूं। एयरटेल ने एक्सिस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई में यह क्रेडिट कार्ड बेनिफिट है, लेना चाहिए या हमें नहीं लेना चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या बेनिफिट इसमें होने वाले हैं और अदर क्रेडिट कार्ड से। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर वेलकम बेनिफिट की, तो इसमें 500 रुपीज़ का अमेजोन का वाउचर आपको मिलेगा। अगर कार्ड आने के एक महीने के अंदर आपने कार्ड से कुछ भी स्पेंड कर दिया होगा, 30 डेज़ के अंदर अगर आपने कार्ड को स्वाइप किया है या ऑनलाइन शॉपिंग कर दी है, तो आपको 500 रुपीज़ का अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा। और फिर अगर इसके कैशबैक की तरफ बात करते हैं हम लोग, तो अगर आप मोबाइल एयरटेल की मोबाइल का रिचार्ज हो गया, वाईफाई हो गया, एयरटेल का डीटीएच हो गया, ब्रॉडबैंड का रिचार्ज, तो इन सब पे अगर आप रिचार्ज करते हो, एक एयरटेल का थैंक्स ऐप होता है उसके थ्रू अगर रिचार्ज करते हो, तो आपको 25% का कैशबैक मिलता है। बट इसकी कैपिंग होती है, आप एक महीने में 300 रुपये से ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते हो डिस्काउंट, तो आप पूरे महीने में 300 रुपये अर्न कर सकते हो। फिर 10% कैशबैक मिलता है यूटिलिटी बिल पे, गैस पे, इलेक्ट्रिक पे, अगर आप स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड से एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू, तो आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है। बट यहाँ पे भी कैपिंग है, आपकी मंथ में 300 रुपये से ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते हो। वहीं बात करेंगे अगर स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट की, तो वहाँ पर भी आपको 10% का कैशबैक मिलता है। और इसके अलावा आप कहीं पे भी यूज़ करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी आप यूज़ अगर इसको करोगे, तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। कैशबैक आपको मिलेगा ये आपके जो स्टेटमेंट आता है, जो आपको बिल आएगा उसमें एडजस्ट हो जाता है, तो इसमें कोई रिवॉर्ड पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आपका मंथ में आपका जो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो आपके नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करके भेज दिया जाए। शादी आपको डोमेस्टिक का एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा, ईयरली 4 मिलेगा, क्वार्टरली आप 1 यूज़ कर सकते हो। इसे अप्लाई करने की बात करें, तो अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहां से इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं एक्सिस बैंक के, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके भी ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। तो अगर इसकी ज्वाइनिंग फ़ी की बात करेंगे, तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ी होती है 500 रुपीज़, और अगर नेक्स्ट ईयर को आपको फ़ी वेव ऑफ कराना है, तो आपको पूरे साल में 2,00,000 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर की आपको फ़ी नहीं लगेगी। तो ये क्रेडिट कार्ड कोई इतना ख़ास नहीं है, लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ा कर बता दिया है, 25% ही लोगों को दिख रहा है, 25% कैशबैक है। 25% कैशबैक सिर्फ उनके लिए है जो एयरटेल का यूज़ करते हैं, तो जो एयरटेल का वाईफाई हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, ये सब या सिम हो गया, या यूज़ करते हैं, उनकी फैमिली में यूज़ होता है ज़्यादा, तो उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड अच्छा है। अदरवाइज़ कोई भी इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो ये कार्ड उनके लिए बेस्ट है जो एयरटेल के कस्टमर हैं। अगर आपके घर में एयरटेल की सिम है, ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, ये सब अगर आपके यहाँ एयरटेल का लगा हुआ है, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ कोई इसमें ख़ास फीचर्स नहीं, ये सिर्फ एयरटेल के लिए ही बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, अगर आप एयरटेल का यूज़ करते हैं तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।